पूरे एक साल का शेड्यूल बताता हूं। जब गर्मियों का सीजन शुरू होता है होली के बाद से और बारिश के पहले दिन तक मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी को ही पीना अच्छा है, रात्रि को दिन को हमेशा। जब बारिश शुरू हो जाती है उस दिन से लेकर और बारिश के अंतिम दिन तक तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना हमेशा अच्छा होता है। जब बारिश खत्म होती है और सर्दियां शुरू होती हैं उस दिन से लेकर और फिर होली के दिन तक सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी अच्छा होता है। दोबारा बताओ, दोबारा। गर्मी के दिनों में होली से लेकर बारिश के पहले दिन तक मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी बहुत अच्छा होता है। मैं बता रहा हूँ बैठिए। बारिश के पहले दिन से और होली के पहले दिन तक का जो समय है गर्मियों का, ये मिट्टी का है। फिर बारिश शुरू होके और बारिश का खत्म होने तक ये तांबे का है, और बारिश खत्म होके सर्दियां शुरू हो और फिर गर्मियां शुरू हो तो ये सोने का है। अब प्रश्न उठता है कि भाई सोने के बर्तन कहां से आएंगे इतनी महंगाई के जमाने में। तो आप ऐसा करिए, बर्तन कोई भी रख लीजिए, मिट्टी का ही रख लीजिए, सोने की उसमें एक अंगूठी डाल के छोड़ दीजिए, सोने की एक चेन डाल के छोड़ दीजिए, तो कुछ फायदा तो होगा ही, नुकसान तो नहीं होगा, फायदा तो थोड़ा होना ही है। सोना जो है ना, सोना बहुत गर्म है और चांदी बहुत ठंडी है। तो गर्मियां हैं तो सोने का पानी जहर है, लेकिन वही पानी अमृत है जब ठंड का समय है। तो ठंड के समय में सोने के अंगूठी का पड़ा हुआ पानी, सोने के रिंग का पड़ा हुआ पानी, कुछ भी सोने का सिक्का एक छोटा सा हो, कुछ भी हो, किसी भी बर्तन में डाल के रखिए। और इस पानी को मैं मेडिसिन के रूप में यूज करता हूँ मेंटल डिसीज में। एपिलेप्सी के डिसीज है ना, जिनको चक्कर आते हैं, बेहोश होके गिर जाते हैं, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, एपिलेप्टिक अटैक की बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। जिनको डिप्रेशन बहुत होता है, मेंटल डिप्रेशन बहुत होता है, उनकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। जिनको हमेशा बुरे बुरे विचार आते रहते हैं, हमेशा नेगेटिव, अभी मैं मर जाऊंगा, अभी वो मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है जिनके लाइफ में, उनकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। जिनको कभी भी अच्छी नींद नहीं आती, रात को हमेशा शिकायत करते हैं मैं सोया नहीं, उनकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। जिनका माइंड कभी डेवलप नहीं हो पाया, बहुत बार ऐसा होता है ना, शरीर बढ़ गया लेकिन माइंड बच्चे का ही है, ऐसे बहुत सारे केसेस आपके जीवन में आ सकते हैं, उनकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। और आखिरी बात कह दूं, कफ की, हर बीमारी की बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम, माइग्रेन, लेफ्ट में, राइट में, ये सब कफ की बीमारियां हैं, इनकी सबकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। इसलिए आप पूरी बात सुन लीजिए, कफ का रेंज मैंने बताया था, कफ का एरिया क्या है, छाती से लेके सिर तक, इसलिए छाती से शुरू करके सिर तक के सारे गहने सोने के ही पहने जाते हैं, क्योंकि वो कफ को कंट्रोल करते हैं। ये जो है ना सोने का होगा, ये सोने का होगा, ये सोने का होगा, सब सोने का है, और इसके नीचे जो भी कुछ है वो सब चांदी का है। तो सोना जो है छाती के ऊपर के सारे अंगों में पहना जाता है, क्योंकि कफ को कंट्रोल करता है। तो मैं कहने जा रहा हूं वो ये कि हमारे जो गहने हैं वो सब हमारे हेल्थ से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं जी। ये अंगूठी सोने की डालते हैं वो ग्रहों के चक्कर वाले, वरना हमेशा हाथ में जो अंगूठियां पहनी जाती है नॉर्मल केसेस में वो चांदी की होती है, लेकिन ग्रहों के चक्कर है, किसी को मंगल का चक्कर है, किसी को शनि का चक्कर है, पंडित जी बताते हैं तो हम पहनते हैं। तो मैं जो कहना चाहता था वो शायद आप समझ पाए हैं कि 4 महीने जब सर्दियां हैं तो सोने के बर्तन का पानी पीना है, 4 महीने जब गर्मियां हैं तो मिट्टी के घड़े का पीना है, 4 महीने जब बारिश है तो तांबे के बर्तन का पानी पीना है जी। पानी को हमेशा पीने का तरीका है कि सबसे पहले गर्म कर लीजिए, सबसे पहले सवेरे सवेरे खूब उबाल दीजिए, फिर उसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा हो जाने दीजिए, फिर बर्तन में डाल दीजिए, चाहे वो मिट्टी के घड़े में डाल दीजिए, चाहे तांबे के बर्तन में डाल दीजिए, चाहे सोने वाले उसमें डाल दीजिए, फिर उसी को दिन भर पीते रहिए। हर समय गर्म करके पीने की जरूरत नहीं है, एक बार बॉइल करके
रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर दीजिए, फिर उसको किसी भी बर्तन में डाल के सवेरे से शाम तक यूज करें।